नमस्कार साथियों, उत्तर प्रदेश में साल 2018 के बाद पहली बार 5 साल के अंतराल में 60,244 पदों पर पुलिस कांस्टेबल पदों की भर्ती निकली, लेकिन भर्ती निकलते ही वो विवादों में घिर गई। विवादों में इतना घिरी कि ट्विटर पर संग्राम छिड़ा हुआ है। आप न्यूज़पेपर में न्यूज चैनल्स पे उस विवाद को आप जान सकते हैं। विपक्ष के बड़े नेता अखिलेश यादव, जयंत चौधरी, अनुप्रिया पटेल सहित तमाम लोग इस भर्ती को लेकर के सरकार के खिलाफ लामबंद हैं, सरकार के खिलाफ आवाज़ें उठाई जा रही हैं। दरअसल भर्ती 5 साल बाद हुई और भर्ती में जो एज लिमिट रखी गई सामान्य वर्ग के लिए वो 18 से 22 वर्ष है। ऐसे में 22 वर्ष से ऊपर वाले अभ्यर्थी ओवर एज मान लिए गए, क्योंकि अन्य जो एससी एसटी और ओबीसी हैं उनको 5-5 वर्ष की छूट है, तो उनको तो 27 वर्ष मिल रहा है। महिला अभ्यर्थियों के लिए 25 वर्ष आयु सीमा रखी गई, लेकिन सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को कोई छूट नहीं मिल पाई, जिसकी वजह से कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो पहली बार जब 2018 में भर्ती आई थी तब उनकी एज जैसे 17 वर्ष थी, और इतने अंतराल के बाद में जब वो भर्ती आई पुलिस कांस्टेबल की तो अब वो ओवर एज हो गए, अतः उनको मौका ही नहीं मिल पाया है। ऐसे में सरकार तो दंभ में है, ऐसा लगता है सरकार की तरफ से कोई भी चर्चा ही नहीं की जा रही है, किसी नेता का बयान नहीं आ रहा है। भर्ती के प्रक्रिया जो है ऑनलाइन आवेदन की वो 27 दिसंबर से शुरू हो जाएगी। उम्मीद यही थी कि सरकार कोई इसमें कदम उठाएगी और इन अभ्यर्थियों को भी राहत देगी, कुछ न कुछ छूट दे देगी, लेकिन सरकार का रवैया ठीक नहीं है और सरकार की तरफ से कोई रवैया उनका सही न होने की वजह से, उनका कोई जवाब न आने की वजह से अभ्यर्थी हाईकोर्ट की तरफ रुक कर गए हैं, जिनमें सर्वेश पांडे और 28 अन्य अभ्यर्थियों ने याचिका डाल दी है हाईकोर्ट में, और शीत अवकाश के बाद में हाईकोर्ट में उस पर सुनवाई भी होगी। दरअसल अभ्यर्थियों ने ये कहा है कि सरकार ने 2017 में सुप्रीम कोर्ट में ये दावा किया था, हलफनामा दायर किया था कि हम 17 से 20 तक प्रतिवर्ष 30,000 भर्तियां निकालेंगे, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया है। अतः सरकार को चाहिए कि अभ्यर्थियों के लिए आयु में कुछ छूट प्रदान करे। अखिलेश यादव जैसे नेता भी ये चीज कह चुके हैं कि सरकार को इस विवाद का हल करना चाहिए और अभ्यर्थियों को आयु में छूट देनी चाहिए। अनुप्रिया पटेल और जयंत चौधरी ने सरकार को लेटर भी लिखा। जयंत चौधरी ने तो साफ साफ लिखा कि सरकार को चाहिए कि अभ्यर्थियों की मांगे सुने, लेकिन शायद सरकार अंधे और बहरे होने का ढोंग कर रही है, या सरकार जैसे कि सभी रवैया उनके ऐसे ही रहते हैं सभी मुद्दों पर कि कुछ बोलना ही नहीं है, किसी मुद्दे पर अगर नहीं करना है काम तो कुछ बोलते ही नहीं है, ज्यादा कुछ नहीं। अभ्यर्थी अभी तो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ट्विटर पर कर रहे हैं जो भी करना है उनको, और अभी कुछ दिनों बाद शांत भी हो जाएंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट से देखने वाला होगा कि क्या फैसला आता है। साथ ही ईडब्ल्यूएस के जो कैंडिडेट हैं उनको, उनके लिए सूचना ये है कि उनके लिए जो प्रमाण पत्र लगेगा ईडब्ल्यूएस का वो साल 23-24 का ही मान्य होगा, पुराना ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नहीं मान्य होगा, और इनकम उनकी परिवार के सभी सदस्यों के जो स्रोत हैं कृषि नौकरी वगैरह वो 8 लाख से ऊपर इनकम नहीं होनी चाहिए। तो ये प्रमुख खबरें थी यूपी पुलिस भर्ती विवाद जो कि गहराया हुआ है और इसका कोई निदान होता नहीं दिख रहा है। कल अर्थात 27 दिसंबर 2023 से आवेदन भी शुरू हो रहे हैं। थैंक यू।